नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं, इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी। बोला गया कि भैया इस वीडियो को जरूर करिए। पाक बेगर्स अरेस्टेड इन यूएई, पाकिस्तानी भिखारियों को बड़ी मात्रा में यूएई में पकड़ लिया गया है, और इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, तो चलिए भाई देखते हैं। क्योंकि भिखारी भिखारी और पाकिस्तान का संबंध बड़ा जबरदस्त है, अटूट टाइप का संबंध है। जहां भी भिखारी की बात होती है वहां पर पाकिस्तान जरूर आता है। लेट्स सी। तो खरीदार जैसे भी हैं, ये कम है ज्यादा है, बेकारी की क्या तादाद है, मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है, बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर वीजा मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया जाता है कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो बिजारी सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं, और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें चार बज जाते थे तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ रहा। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है, कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं भिखारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है, क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती, अब चले गए पैसे लगा के, वीजा लेके अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2-4-3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है, वो उधर जाके पाकिस्तानी एक रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है, वो कहते हैं 10 मिले 20 मिले 50 मिले जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा हमारा, पूरी दुनिया में इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह भी बदनाम है, ठीक है, वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत, सबसे बड़ी बात हमारे वजीर आजम साहब देख ले, वो IMF से ये नहीं करेंगे वो करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था, हाँ। वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया पैसे मांगने आया, तो वो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है, तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ। लेकिन आजकल फेम चल गया है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना, तो लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन बंदों को कंट्रोल में करे इन चीजों पे। लेकिन कंट्रोल में कैसे करेंगे, ये तो इजी मनी है ना सबको। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान मेहनत करने से बड़ा डरता है और पाकिस्तानी भी मेहनत करने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि इजी मनी जहां से आ जाए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को के लोगों में, पाकिस्तान के युवाओं में भिखारी बनने का जो क्रेज है ना, वो एक लड़की ने पैदा किया है, और उस लड़की ने इंटरव्यू में बताया था कि भाई किस तरह क्या। अच्छा पहले मैं सुनवा देता हूँ, सुनिए। लाइबा मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। तो मुझे ये लगता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि इस लड़की की बातों को सुनकर ये लड़की बड़ी वायरल हुई, बहुत वायरल हुई। तो इस लड़की की बातों को सुनकर जो पाकिस्तान के युवा हैं उन्होंने समझ लिया कि बॉस इससे ईजी मनी तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अरे गालियाँ ही सुननी पड़ेंगी ना दो चार, वो तो हम उस्ताद हैं उसमें गालियाँ सुनने में, हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मोटी चमड़ी वाले लोग हैं हम, गाली आप देते रहो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि इस लड़की की तरह हमारे पास भी अपनी गाड़ी होगी, अपना बंगला होगा, अपने बैंक बैलेंस होगा। तो उन्होंने चालू कर दिया है और अब ये रुकने वाले नहीं है बॉस, अभी आप देखते रहिए और भी खबरें आएंगी। और अभी तो पाकिस्तान की असलियत मैं बताऊंगा अभी वीडियो के बाद।
चीजों पे ध्यान रखे कि ऐसे मार्केटों में जा हर जगह पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, बेहतर नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, भीख मांगना वैसे ही इलीगल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं पहले भी कहता हूँ कि ये चीज चाहिए कि स्किल्स दें। आप कोई बाहर जा रहा है, आपके वीजे के लिए अप्लाई करने आ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट हों जो ट्रेनिंग दें, और वहां पे जाके सऊदीया जाए, दुबई जाए, किसी कंट्री में जाए, वहां पे जाके थोड़ा बहुत काम करें, मेहनत करें, अपने पैसे कमाएं, उससे पैसे भी पाकिस्तान में आएंगे और हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से आएंगे। लेकिन नहीं ना, वही बात आ जाती है कि हम लोग ये आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारा मुल्क करप्शन में बहुत आ गया है, आपको पता है। हम कहते हैं कि बस दो नंबरी जहां लगे, जहां जुगाड़ लगे हम वो करें, और ये मेरे ख्याल से इनको भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान काम उनको लगता है। मेहनत मजदूरी नहीं है, जाके कहीं बैठ जाना है, आपने ऐसे याद करना है। अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं जो सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं, दे देते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं क्या दे रहे हैं, और ठीक है, कई जैकपॉट वगैरह ऐसे ही लग जाता है। ये चीज हमारे मुल्क के लिए बहुत नहीं ठीक, यानी कि इमेज हमारा खराब होता है हमारे बाकी। अब देखे ना, जो वैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम किसी गैर मुल्की किसी को मिलते हैं ना, उसने यही कहना ये पाकिस्तानी है, इससे बचो या जो भी है, उससे हम लोगों की भी इमेज खराब होती है। हम लोग काम करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, हमारी इमेज भी खराब होती है, इन लोगों पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ये यही वजह बस। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर एंड पे हमने ये कह देना होता है कि नहीं भाई, ये दुनिया पूरी साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अपने काम, अपनी जो एक्टिविटीज है, जो अपने मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। बाप एक बाप एक छोटी सी बात, मेरे ख्याल से हम ये कह देंगे दुबई ने साजिश कर दी, सऊदीया ने साजिश। देखिए साजिश क्या है भाई, प्रूफ है, आप वीडियोस देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं घूर रहा, सिर्फ मांग रहा है। इस टाइम उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये स्किल नहीं है। आप लेट सपोज आज बाहर चले जाए, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप जाके एक दो दिन तो सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ करना है, भूख लगी है, पेट पालना, घर भेजना, तो भीख ही मांग। जिसने मेहनत करनी है ना उसने मजदूरी भी करनी है। अगर आप जाते हो जाके, आपने अगर आप मेहनत करने गए हो ना, तो आपको मजदूरी भी करनी पड़ी है ना, तो आप करो। जब आप एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हो कि यार मैं कुछ करना भी नहीं, सिर्फ हाथ आगे करना है, हाँ। तो मुझे मिल जाना है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, और ये ठीक है। IMF ने कहा जी पेट्रोल बढ़ाएं, ये दुकानों पे छोटे छोटे ये जो है ये दुकानदार ताजर है, इन पे टैक्स लगाएं। ठीक है, इनका क्या कसूर है? अच्छा, खाने को मिल नहीं रहा और टैक्स पे टैक्स लगी जा रही है। ठीक हो गया, एक चीज लास्ट में पूछूंगा। अच्छा लगा बात करके, बड़े दमदार तरीके से भाई ने बात की है आपसे। लेट्स सपोज मैं 5 बेल्टें लेता हूँ, तो आपके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम है? ये आजकल अपनी जो ये जैस कैश यदि पैसा है, इसके अलावा ऐसे तो कोई ऐप नहीं, वो ऐप शैप तो वैसे इंडिया में आपने देख लें, पेपाल है, पेटीएम है, उनकी काफी ऐसी है कि आप छोटी सी दुकान पे 20 रुपए की भी चीज लेने चलोगे ना, तो आप ऑनलाइन उनको, हमारे अभी तक इन्होंने कोई ऐसा हमें रिलीफ नहीं दिया या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हम छोटे दुकानदार अपना कैश बजाने के लिए कोई ऐसा बनाए। सिंपल सा QR कोड लगा होता है, उसे स्कैन करें और आपकी पेमेंट ट्रांसफर। और हमारे इधर अभी तक कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है ना, ये हमें उम्मीद है कि कोई ऐसी सहूलतें हमें मिले। उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद तो बस है, लेकिन जो नजर आता है अपना तो वही बयान करना है ना। और हमारे सर पे देखे ना, इन पे कितने केसेस थे, हाँ। कितने ज्यादा केसेस थे, सब जो उनसे वो साफ हो गए। लास्ट में मैं ये पूछूंगा भाईजान, भीख मांगना देखिए सर 20 रुपए नहीं, 2 रुपए भी अगर ट्रांजेक्शन करनी है, मैं 2 रुपए की मिर्ची भी खरीदूंगा ना, तो मैं 2 रुपए पे कर सकता हूँ, और पेटीएम से भी पे कर सकता हूँ, और व्हाट्सएप से पे कर सकता हूँ, हमारी मोबाइल कंपनी है एयरटेल उससे पे कर सकता हूँ, अमेजोन से पे कर सकता हूँ, UPI के थ्रू पे कर सकता हूँ, फोन पे से पे कर सकता हूँ। हमारे पास हजारों ऑप्शन है। कोई भी बैंक जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उससे डायरेक्टली स्कैन करके मैं पे कर सकता हूं डायरेक्टली, और ये सब हुआ है UPI के थ्रू, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा ये नहीं है। भैया अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा तो लोग बवाल कर देंगे, क्यों? टैक्स जो भरना पड़ेगा ना, पाकिस्तानी लोग इसके लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि टैक्स भरना पड़ेगा, वो सारी कमाई व्हाइट में होगी। और अभी मैं आपके शायद फाइनेंस मिनिस्टर का बयान था, किसका था, आपके सरकार में से किसी का, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान था शायद, कि टैक्स नहीं देने की वजह से, लोगों द्वारा टैक्स नहीं देने की वजह से पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है, दिवालिया होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पाकिस्तान के साथ फाइनेंस मिनिस्टर का ही बयान है, आप समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर होगा, तो ये सब व्हाइट मनी हो जाएगी ना, सारे पैसों का हिसाब किताब हो जाएगा।
आपके यहाँ एक ठेले वाला टैक्स नहीं देता है, आपके यहाँ एक दुकानदार टैक्स नहीं देते हैं, सब पैसे बचाते हैं। बस टैक्स कौन देता होगा? जो नौकरी पेशा लोग होंगे आपके यहाँ, बस। उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई टैक्स देता होगा, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही है। बेहतर है या गलत है सर? भीख मांगना अल्लाह की लानत है, अल्लाह। लेकिन फिर पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांगते हैं? ऐसे कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। तो सर आप देखें, बैगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं, और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग रहा हूँ। सर जब आपके अंदर का जमीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने हैं। उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है, मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में, ये चीज है, बड़ी ये एक बड़ी छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा तो कैसे गुजारा, कैसे बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से समझ उन्हें आती है, लेकिन वो आती है, बिल्कुल आती है। मैं अपने बिजनेस में, मैं जब डाउनफॉल देखता हूँ, मैं किसी से हेल्प आउट लेता जरूर हूँ, ठीक है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब इसको डाउनफॉल पे ही ले जाऊं और इसी ट्रेंड को पकड़ लूं कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, आज आप मुझे उधार दे दें, कल वो दे दें। मतलब आज पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, कल IMF के पास जा रहे हैं, परसों हो सकता है रशिया के पास भी हम जाएं। हमारे लिए जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं, हम उनके लिए बैगर हैं, हमने मांग नहीं जाना। इस चीज को खत्म करें। एक आधी कंट्री जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, मगर रिटर्न में हम उनको जो उनसे है वो बिल्कुल ही कुछ दे नहीं रहे। अच्छा लगा, आइए मजीद जो मार्केट में लोग मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जान, चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, मैं जानता हूं क्योंकि पहले भी एक दो दफा आपसे बात कर चुके हैं। सबसे पहले ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, कि ईद करीब है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है और बाजार में खरीदारों का कितना रश है? खरीदारों का रश तो बहुत ज्यादा, पर बाइंग पावर नहीं है कस्टमर की। ठीक है, मतलब आते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये है कि वो रेट अभी नहीं। आप वीडियो पहले आप देख रहे थे कि एक कस्टमर जो है वो बार्गिंग कर रहा था, बार्गिंग उसमें करें क्या, मार्जिन भी नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कि ये पेंट थी, ये वाली पेंट है। अब ये शर्ट थी मेरे ख्याल से। अब ये 500 की आई हुई है, 600 की ये की है उसको, ये 700 की आई हुई है, 800 की है, 200 रुपया बचना है। अब उसमें भी बहस कर रहा, एक टाइम था इसमें हमें पैसे बचते थे अच्छे खासे, 400-500। मैंने जो सुना है कि गारमेंट कैसा बिजनेस है, आधा आधा आपको बचा था, मतलब 200 रुपए की चीज है तो आपने? नहीं, वो वक्त खत्म हो गया, वो भी दुकान देखे। अब हम यहाँ पे हल्की वैरायटी रखेंगे ना तो कस्टमर नहीं है, वैरायटी भी अच्छी रखनी पड़ती है और बाइंग पावर भी मुनासिब रखना पड़ता है। चले, आपने खरीदारों की बात की, मैं अब जिस टॉपिक की तरफ आने वाला हूँ, मुझे ये बताएं कि खरीदारों के, इससे याद आया, अभी शायद आरजू काजमी जी ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था, एक शायद कुर्ते का कपड़ा था, आई थिंक khadi.com लिखा हुआ था उस पर, और वो पाकिस्तानी रुपए में 30,000 रुपए का कुर्ता था, शायद ऐसा मुझे याद आ रहा है, 30,000 पाकिस्तानी रुपए में 30,000 का था वो। और मुझे लगता है कि खादी के ऐसे, हमारे यहाँ खादी में अगर चले जाए कुर्ता तो 1,000-1,500 रुपये में मिल जाता भाई, 1,000-1,500-2,000 में मिल जाता मुझे। इस तरह के काम वाला तो 2,500 में मिल जाएगा, मान लो 2,000 में तो मिल ही जाएगा यार, 2,500 में मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे खादी में बहुत सस्ती चीज़ें भी होती हैं, हम लोग तो खादी से कुर्ते ले आते हैं यार, 1,000 रुपये में इतने शानदार कुर्ते मिल जाते हैं खादी में, 1,000 रुपये में, भारतीय इंडियन 1,000 रुपये में, मतलब बहुत बढ़िया कुर्ता मिलता है, और प्योर कॉटन। बाकी और भी हैं, और भी वैरायटीज के हैं। दारों के साथ साथ जो बेकारी हैं हर मार्केट में मौजूद होते हैं भीख मांगने वाले, उनमें कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है? यार यहाँ पे तो समझ लो कि सुबह फर्स्ट टाइम आप आ जाओ तो उतने कस्टमर नहीं आते जितने भिखारी होते हैं सुबह के टाइम, ठीक है। अभी ये राशि तो उसकी वजह से थोड़े से कम हो जाते हैं, वरना सुबह तो बहुत ज्यादा भिखारी। आईवन के आप कहीं खाना खाने बैठ जाओ ना, ठीक है, अगली मार्केट आप चले जाए क्रीम ब्लॉक की, ठीक है, वो फूड पॉइंट है सारा, तो वहां पे अभी मैं गया हुआ था, अफतारी फैमिली आई हुई थी मेरी, मैं अफतारी करने के लिए गया, ठीक है, तो वो हर 3 मिनट बाद एक कोई ना कोई बेकारी, अल्लाह के नाम पे दे दो, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा, 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं,
रमजान के पहले दो हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं, वो जो बेकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखें, ये जो चीजें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं, जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नॉट बी चूजर, कांट बी चूजर, ये शिवाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना, बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है, वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीज, वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे, ठीक हो। तो वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ, देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहां पे जाकर दुगने निकालने, वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा मेरा, तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री सर, यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखे ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी, हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया इसके ऊपर, थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई है कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है, ये नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है, वो बात आप सही कह रहे हैं, इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है, ठीक है, और ये जो हमारे थाने है ना, हाँ, ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, ये मुलव्वस होते हैं, ये अभी आएंगे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं, ठीक हो, तो कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुस्लिम कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है, जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE, चला गया दुबई, या कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहाँ पे जाके मैं मेहनत कर लूँ, मैं पहुँच तो गया हूँ, तो मेहनत करके पैसे, मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600, इसमें एक दिन में उसने 1000-1200 रुपया वहाँ का कमा लेना, अब वहाँ समझ नहीं रहे, अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी लग रही, ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की दिहाड़ी है उनकी, एक दिन की, ठीक हो गया, प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी, बघीर बेकार भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जैन में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15 हजार रुपया छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला बलग, नहीं वो फिर ऐसे लेके जाते हैं, पूरी आपको इरिटेट करेंगे कि यार ये काम गलत है, ये मुझे दे के दे, कुछ ना कुछ दे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि स्किल्स हम स्किल्स के ऊपर वर्क करें, अगर यहाँ से देखिए बहुत बड़ी स्किल है ना मांगना, नहीं ये स्किल नहीं है, ये बेशर्मी है मेरे ख्याल से। यार जो बड़े बड़े हुक्मरान बेशर्मी पे उतरे हुए हैं तो फिर ये तो फिर स्किल हुई ना, ठीक हो, वो बड़ों से सीखते हैं। अगर ये बात तो है, क्योंकि जो वीडियोज आते हैं भिखारियों के, मतलब पाकिस्तानी भिखारियों के, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक वो जापान वाला वीडियो में हमने देखा था, और एक वो दुबई वाली वीडियो में एक महिला मांग रही थी, एक लड़की मांग रही थी, वो बैठी हुई थी जमीन पे, वो दोनों वीडियो देखिए, और क्या आपको फील हो रहा है कि जरा भी इनमें शर्म बची है, देखिए। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में, और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दी है, हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है, समझे आप? तो बेशर्मी तो बिल्कुल भरी हुई है पाकिस्तानियों में, मतलब सबको नहीं कह रहा, जो इस तरह के काम करते हैं उनको कह रहा हूँ।
हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे तो वो बड़े को देख के बंदा छोटा सही होता है ना। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया हमारे पे हंसती है, हम ये कहते हैं कि भाई हम पे इंडिया ये बात करते हैं, इंडियंस भी वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे भारत मार्ट बना रहे हैं, वो वहाँ पे लुलू मार्ट और बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम भारत की तो हम बात ही ना करें, हम भारत का तो मुकाबला कर ही नहीं ना सकते। अब वो तो IT में भी बहुत आगे और बाकी चीजों में बहुत आगे, बाकी हम तो काफी चीजों पे हमारा इख्तलाफ भी है। कुछ चीजें अच्छी है, उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वो मशीयत पे काम कर रहे हैं, इन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो हमें IT पे हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ हम इस चीज पे आए कि यार वो अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा, हमने इसको उतार देना है, फलाने को कर देना है। ये अपनी अपनी बुमर पसौड़ी में पड़े हुए हैं, तजर्बे कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए हमारे लिए कोई नहीं सोचता। ठीक है, और ये खबर अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल भी इसके ऊपर बराबर खबर आई थी, अभी दुबई की है, पिछले साल सऊदी अरेबिया की आई थी, उन्होंने बोला था सबसे ज्यादा बेकारी जो सऊदी अरेबिया में पकड़े गए हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। मतलब क्या ऐसी रीजन है कि हर जगह पे हम ही दूसरे कंट्रीज के लोग क्यों नहीं मांगते वो जाके हेल्प? हम ना दो नंबर में ना सबसे आगे है, दो नंबर ही में, दो नंबर ही में। ठीक है, आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाए वो आपको खुद कहेंगे की वो उधर चले जाना, मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदी अरब पाकिस्तानी कुल्लू आरामी। अच्छा। ये अक्सर जो भी वहां से आपका आता वीजा टू है? नहीं, मेरे जो भी दोस्त वगैरह वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लू आरामी। उसकी रीजन क्या है कि हम यहाँ लड़ते हैं वहां पे जाके, या हम फ्रॉड करते हैं। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहां पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहां से वो लोन लेता है 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। और फिर ये मैंने भी चीज सुनी थी कि यहाँ से जाते हैं वीजा विजिट वीजे पे, उधर बैंक से लोन लेते हैं और फिर वापस नहीं करते, वापस आ जाते हैं। लेकिन इससे मेरा पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी डाउन हो रही है, और फिर दूसरे नंबर पे वीजे भी बंद कर दिए गए थे इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान के वीजा, इसी वजूहत की वजह से बंद कर दिए थे ना। अब वो एक खान आया हुआ था, इमरान खान, खान साहब क्या कर रहे थे, खान साहब पावर बना रहे थे पाकिस्तान पासपोर्ट की, और बनी भी थी। आप खुद उनके दौर में शायद सऊदी अरेबिया से जो जेलों में कैद थे पाकिस्तानी, वो भी यहाँ पे भी लोग आए। लेकिन भाई साहब आपकी मीडिया में तो कुछ और खबरें चलती हैं, आपकी मीडिया तो कहती है कि इमरान खान का कोई दावा सही हुआ नहीं, सुनिए। वो सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयाँ हो गई हैं, ये दावा इमरान खान साहब ने किया है। लेकिन रियलिटीज कुछ और है, एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ, इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? तो बताइए भाई हम किसकी बात माने, बोलिए, आपस में निपट लो भैया, कौन सच्चा कौन झूठा। आए थे यहाँ पे लड़का काम करने के लिए आया था, कहता था खान की वजह से मुझे छोड़ा गया, नहीं तो मैं उम्र भर के लिए वहाँ पे था। ओहो, उम्र कैद थी मुझे। ठीक है, तो अब तो फिर वही सिचुएशन होती नजर आ रही है, कोई बेहतरी आपको लगता है कि लेट्स सपोज अगर कोई 1-1.5-2 लाख रुपया लगा के दुबई में या किसी भी कंट्री में गया, वीजा पैसे लगा के गया, वही 2 लाख का अगर वो पाकिस्तान में कारोबार शुरू कर ले, आपके ख्याल से अभी कारोबारी है तो आपको नहीं लगता कि कुछ बेहतरी हो जाएगी? 2 लाख रुपया, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने 10,000 रुपए से काम करना ना स्टार्ट, मैं करवा के देता हूँ आपके चैनल के, मैं करवा के देता हूँ। इवन कोई भी काम ले आए मैं उसको बताऊंगा किस तरह काम करना है। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि आपकी नीयत होनी चाहिए, भीख नहीं मांगना, काम करना, और यही सिचुएशन एक इंडिविजुअल की भी होगी और यही सिचुएशन पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की भी होगी। कि हम अफगानिस्तान को देख लें, उन्होंने डिसाइड कर लिया हमने भीख नहीं मांगना, IMF पास नहीं जाना, वो नहीं जा रहे, और उनका क्या मुल्क नहीं चल रहा, मर गए हैं वो। देखिये खान की मैं बात करने लगा हूँ, खान को लेके आएंगे ना ओवरसीज जितना है ना, वो कहता है कि हम अपने जहेज और जहेज में जो सोना आता है ना औरतें, वो कहती हैं हम वो बेचने के लिए तैयार हैं कि है। खान एक मरतबा मुंह से निकाले। अब वो एग्जांपल ये है कि अब उनको पता है कि यार ये बंदा खड़ा है, है। कम से कम हमारे पैसे लेके भागेगा नहीं। अच्छा, अगर जाना होगा, खान साहब के सपोर्टर लग रहे हैं लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, मुझे ये बताएं कि खान साहब के दौर में खबरें ये है कि सबसे ज्यादा जो IMF से पैसे लिए गए हैं वो खान साहब के दौर में लिए गए हैं, फिर उन्होंने भी अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे लिए हैं, भीख ही लिया है, तो फिर उधार लिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिये मेरी बात सुने, अब आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं ना तो उसका जो भी साइड इफेक्ट है ना वो 6 माह के बाद आना। ठीक है, इसी तरह अब इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पहले से एग्री किए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, अब 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हुकूमत इनकी 3 साल की नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि वो फिर देने तो है ना, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो भी बंदा हुकूमत में आएगा उसको तो देने पड़ने हैं, तो उसने लिया, पर जितना लिया
इन्होंने वो अगले दिन जब आए ये लोग, इन्होंने 15 महीने में उसने डबल लिया, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है, जितना उसने 3 साल में लिया कोविड के दौरान, कोविड भी था और कभी भी किसी की हुकूमत में कोविड नहीं आया, ठीक हो गया ये चीजों का भी उन्होंने ज्यादा लिया है। वाइंड अप करते हैं, गजब डिफेंड करते हैं लोग इमरान खान को यार, गजब डिफेंड कर लेते हैं आप लोग, मतलब आपके बंदे ने चोरी की, नहीं नहीं वो चोरी नहीं थी वो मजबूरी थी, और दूसरे बंदे ने चोरी कर लिया, हाँ वो चोरी थी उसकी मजबूरी नहीं मानी जाएगी। कमाल है यार आप लोगों ने तो मतलब हद ही कर दिया, ये डबल स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला एक ही लगेगा सर, फॉर्मूला एक ही लगेगा। तो अब आपके वाले ने जो लिया है, मतलब ये कौन सा है, आप ही के यहाँ के लोग डेटा दे रहे हैं भाई कि 75 ईयर्स पाकिस्तान के इतिहास में 51 साल में जितना कर्जा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिया उसके करीब करीब बराबर कर्जा इमरान खान ने 4 साल में लिया, ये कौन सा, क्या चुकाना था भाई और क्या चुकाया गया उससे, किसी ने इमरान खान से ये सवाल पूछा ना? कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, कोई नया अस्पताल बना, कोई नया स्कूल खुला, कोई नया कॉलेज खुला, कहां गए वो पैसे? ये सब धोखेबाजी है। चलिए वापस आते हैं भिखारी वाले मसले पर। तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है और उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। सुनिए, रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1,15,71,43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। तो अब ये बताइए कि 22 करोड़ आपकी आवाम, उसमें से 3 करोड़ भिखारी है, करीब करीब 11-12% हो गया ना, कैसे आप लोग सर उठाकर चलते हैं यार, शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आपके कुल आबादी के 11-12% लोग भिखारी हैं, बेगर्स। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। और आप चलते हैं भारत से टक्कर लेने, आप चलते हैं कि भारत को हम तो पता नहीं कहां पीछे छोड़ देंगे। जज्बा बहुत है जी, जज्बा है, भीख मांगने का जज्बा है आप लोगों में, भीख मांगने का ही जज्बा है। पता यार मैं तो हंस रहा हूं, 22 करोड़ में से 3 करोड़ भिखारी हैं, 11-12% लोग पाकिस्तान में भिखारी हैं भाई। और इनमें वो लोग नहीं है जो बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान के भीतर वालों की संख्या है। हंसे नहीं तो क्या करें, अब इसमें कहेंगे कि जी फलाने ने साजिश कर दी और इंडियन तो हंसते हैं, अब भाई हंसने वाला काम ही है ये, तो और क्या करेंगे आप बताइए दोस्तों। इन भिखारियों को कुछ मैसेज दीजिए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।